आप जी राजो जी 24 कलाक હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા સમાચારોની શરૂઆત કરીએ 83 દિવસ પછી ફરી પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે પેટ્રોલના ભાવમાં 58 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 57 પૈસાનો વધારો થયો છે અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 67.89 રૂપિયા લીટર થયો છે જ્યારે ડીઝલનો નવો ભાવ 65.82 રૂપિયા પ્રતિ લીટર ક્રૂડના ભાવ ઘટવા છતાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે तो क्रूड ना भाव घटिया छे परंतु तेनो सीधो लाभ हवे ग्राहकों ने नहीं मिली सके पेट्रोल डीजल ना भाव में वधारो थयो छे ब्रिजेश दोषी अमारी साथे फोन लाइन पर जोड़ाई गया छे ब्रिजेश क्रूड ना भाव में तो घटाड़ो छे परंतु तेम छतां तेनो सीधो लाभ ग्राहकों ने नहीं मिली सके कारण के पेट्रोल और डीजल ना भाव आसमाने पहुंचा छे जी बात कर तो पेट्रोल डीजल भाव में सतत वधारो थई रह्यो छे 83 दिवस बाद आ वधारो आव्यो छे 83 दिवस सुधी लॉकडाउन की इफेक्ट थी तेना कारण भाव में कोई वधारो जोवा नहोतो मळ्यो परंतु केन्द्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी की अंदर वधारो करवामां आव्यो जे रीते क्रूड ऑइल ना भाव तळिये गया था वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑइल ना भाव सौथी नीचो जोवा मळ्यो हतो पण केन्द्र सरकारे जे छे लॉकडाउन दरमियान ज एक्साइज ड्यूटी वधारी दीधी हती जेना कारणे ते भाव भारत की अंदर घटिया नहोता घटेला क्रूड ऑइल ना भावनी जे लाभ छे जनता ने नहीं मिली रह्यो अने जे एक्साइज ड्यूटी में वधारो करवामां आव्यो हतो तेना कारणे जे छे हाल पण जे पेट्रोल डीजल ना भाव छे तेनी अंदर ते यथावत छे आजे 83 दिवस बाद पेट्रोल में 58 पैसा अने डीजल में 57 पैसा नो जे छे वधारो जोवा मळ्यो छे अने आ भाव हालनी स्थितिए घटे एवुं नथी कारण के जे एक्साइज ड्यूटी अंदर जंगी वधारो करवामां आव्यो हतो तेना कारणे आ भाव जे छे ए घटवानी हाल पूरती कोई शक्यता नथी भाव जे छे सतत वधता रहे छे जी ब्रिजेश एक बात ए पण के पेट्रोल डीजल ना जे भावो हवे दररोज वधशे कारण के कोई आशा सेवाए नथी रही के पेट्रोल डीजल ना भावो आगामी समय में घटशे पेट्रोल ना डीजल ना भावो जे रीते वधी रह्या छे 50 पैसा 40 पैसा जे रीते वधे छे एटले एक वस्तु ए पण डिसाइड नथी के करी शकता ग्राहको के केटलो भाव ते लोको पासेथी वसूलवामां आवी रह्यो छे दीक्षिता हाल जे छे भाव वध्यो ए पहली वखत आ 50 पैसे खाते वध्यो छे सामान्य रीते पेट्रोल डीजल ना भाव रोज वधता होय छे 3-4 के 5 पैसा थी लई अने 30-20 पैसा सुधीनो वधारो दिवस में जोवा मळतो होय छे परंतु आ भाव वधारो एटला माटे जोवा मळ्यो कारण के लॉकडाउन हतुं लॉकडाउन दरमियान जे छे वाहनो खूब मर्यादित रोड उपर हता अने साथे ज क्रूडना भाव में घटाडो थयो हतो तेना कारणे जे छे ते पीरियड दरमियान जे छे भाव नहोता वध्या परंतु जे रीते क्रूडना भाव स्टेबल थया अने त्यारबाद केन्द्र सरकार एक्साइज ड्यूटीमां वधारो कर्यो एटले हवे आ भाव वध्या छे अने तेनी असर हवे रोज जोवा मळशे हाल 83 दिवस बाद आ भाव वधारो जोवा मळ्यो छे અને હવે આ ભાવમાં સતત વધારો થશે ઘટાડો થઈ શકે એટલા માટે નથી કારણ કે કેન્દ્ર ઓલરેડી એક્સાઇઝ ડ્યુટી વધારી ચૂક્યું છે એટલે એ ડ્યુટી વધારાના કારણે ભાવમાં ઘટાડો થાય ભલે આંતરિક ક્રૂડના ભાવ ઘટે પણ ગુજરાત અથવા તો ભારતની અંદર જે છે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા નહીં મળે આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારો પણ ભાવ વધારી રહી છે ગુજરાત સરકારે પણ સંકેત આપ્યા છે કે વેટ જે છે ગુજરાત સરકારનો સૌથી ઓછો છે એટલે ગુજરાતે ગુજરાતવાસીઓએ હજુ વધુ ભાવ વધારા માટે તૈયાર રહેવું પડશે જી બિલકુલ આભાર બ્રિજેશ સમગ્ર વિગત બદલ